हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको पूरे ध्यान से देखना है क्योंकि परीक्षा नियमों में हमेशा जो है बदलाव होते रहते हैं। इस वर्ष जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं के ओपन परीक्षा से फॉर्म भरने जा रहे हैं, है ना, उन सारों के लिए ये जो नियम है वो बताया गया है, उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो बहुत ही ध्यान से सुनते जाएंगे। इस नियम के तहत आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, है ना, ये जो नियम है वो तो बहुत पहले से लागू है लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को इस नियम के बारे में मालूम नहीं है, जिसके कारण वे जो है बार बार जो है परीक्षा देने के बावजूद जब फेल हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, है ना। तो आपको निराश नहीं होना है, खासकर फेल वाले विद्यार्थी जिन लोग परीक्षा दिलाने के बाद 10वीं या 12वीं परीक्षा दिलाते हैं और फेल हो जाते हैं, तो ये नियम उन्हीं लोगों के लिए है जो फेल हो जाते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो 2021 में फेल हुए हों, चाहे 22 में फेल हुए हों, है ना, या अभी परीक्षा दिलाएंगे यदि उसमें किसी कारणवश सप्लीमेंट्री आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं। तो देखिए नियम क्या बनाया गया है, शुरू से बनाया गया है जिसके बारे में आप लोग को मालूम नहीं है। जैसे कि हम पहली बार एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, परीक्षा दिलाते हैं, तो हम कोई भी विषय में सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, मान लो 5 विषय दिलाए, एक विषय हिंदी इंग्लिश या किसी भी विषय में फेल हो जाते हैं, या 2 विषय में या 3 विषय में फेल हो जाते हैं, तो हमको जो है सप्लीमेंट्री का अवसर मिलता है। यानी कि जैसे हमने मार्च अप्रैल में पेपर दिलाया तो उसका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर में होता है दोस्तों, तो ये आपके लिए फर्स्ट चांस होता है, यानी पहला अवसर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप सप्लीमेंट्री में भी फेल हो जाते हैं, है ना, तो आपको द्वितीय अवसर फिर से दिया जाता है। इस प्रकार आपको पूरे ओपन परीक्षा में 9 बार अवसर मिलता है। आप इसको लिख कर नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, टोटल 9 बार आप फेल होने के बाद भी 9 बार एग्ज़ाम दिला सकते हैं। इसका पेपर 2 बार होता है, एक तो अप्रैल में होता है और दूसरा सितंबर में होता है, तो आप दोनों में, है ना, टोटल 2 से 3 सालों तक हमको ओपन परीक्षा को 9 बार सप्लीमेंट्री दिला के, क्योंकि कई लोग जो है फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर फेल होते हैं, है ना। अब कई लोग को लगता है कि अब मेरा चांस गया रे, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अब हमने 2 बार परीक्षा दिला लिया तो अब मेरे को चांस नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप गिनती कर लेना, आपको 9 बार चांस उसमें मिलता है, तो ठीक है, उस 9 बार के चांस में आप यदि एक आध पेपर गैप कर देते हैं, जैसे अभी मार्च अप्रैल फेल हुए फिर सितंबर में नहीं दिला पाए, तो आपको घबराना नहीं है कि अब मेरा गैप हो गया तो अब मैं नहीं दिला सकता, अभी भी आपके पास चांस बचा हुआ है। आपको गिनती लगा लेना है कि 9 चांस जो है 2 से 2.5 साल या 3 साल लगता है। अब जैसे कि मैं 2023 में मार्च अप्रैल में परीक्षा दिलाया, मैं एक आध विषय में फेल हो गया, तो जो आने वाला 2023 का जो सितंबर महीना होगा उसमें और एग्ज़ाम होगा, उसमें मैं कहीं चला गया और पेपर नहीं दिला पाया, तो 2024 के जो मार्च अप्रैल है उसमें आप बैठ सकते हो दोस्तों। यदि आप 2 पेपर या 3 पेपर अभी नहीं दिला पाते हैं, है ना, ये आपका 5वां या 6वां जो है चांस होता है, यानी आप 2 से 3 या 4 साल तक में उस पेपर को आपको दिलाना होता है, ठीक है। एक साल में ओपन का 2 परीक्षा होता है, इन्हीं 2 परीक्षाओं में आपको अटेंड करके उसको 9 बार के चांस में आपको परीक्षा दिला सकते हैं। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, यदि आप 2-3 पेपर में गैप कर दिए, नहीं दिला पाए, तो भी जो बचा हुआ जो आपका एक सब्जेक्ट जिसमें आप फेल हुए हो उसको 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप उसके चांस वाला जो पेपर है उसमें दिला सकते हो। इस प्रकार आपको टोटल 9 चांस मिलता है दोस्तों।